नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे किसी भी देश के बारे में। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। एजेंटों के संपर्क में नहीं आए, यहां पे एक ट्विस्ट है। आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो एक जानकारी मैं देना चाहता हूं सबूत के साथ में। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये आप एक ऑफर लेटर देख सकते हैं, ऑफर लेटर में आपको दिखा देता हूँ, एक बंदे ने मुझे भेजा है। इसमें वेल्डर की जॉब है, सैलरी की बात करें तो $4,680 लगभग इंडियन करेंसी में एवरेज 2.5 लाख से प्लस सैलरी में बन जाती है। ये ऑफर लेटर आपने देख लिया। बंदे ने मुझे बोला कि सर ये ऑफर लेटर मुझे भेजा गया है और मैंने इसको ऑनलाइन वेबसाइट से अप्लाई किया था, वहां से मुझे मिला है। प्लीज चेक करके बताएं कि सही है या गलत है। और साथ में वेबसाइट भी डाली गई थी, आप ये देख सकते हैं, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। इस वेबसाइट को मैंने ओपन करके देखा तो इसमें एक अच्छी डिजाइनिंग के साथ वेबसाइट की गई है। देखने से ये वेबसाइट एक इंटरनेशनल वेबसाइट लगती है, यूरोप कंट्री की या फिर कनाडा की मान सकते हैं। इस वेबसाइट में सैकड़ों प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं, सैकड़ों कस्टमर हैप्पी हैं कि भाई हमारी सर्विस से हैप्पी हैं, उनको फायदा हुआ है। जी हाँ, कुछ हैप्पी कुछ खुश भी हैं, जिनका काम बन गया वो खुश है। यानी हमारी सर्विस बेस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे ये बातें तो सुन ली उनकी तरफ से, अब मेरी बातें क्या होती है। ऑफर लेटर देने के बाद में पैसों की डिमांड होती है कि भाई $200, $350, $100, इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, ये खर्चा आपको देना होगा। ऑफर लेटर बंदे को दिया गया, उसके बाद में उनसे चार्ज मांग लिया जाता है कि इतना पैसा आपको देना होता है। अब देखिए एक बात इंपॉर्टेंट, कान खोल के सुन लो कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, फर्जीवाड़ा करने का तरीका भी बदल रहा है। पहले लोग क्या करते थे, अखबारों में ऐड आता था, फर्जी ऐड आता, फिर ठगना, ठीक है। फिर लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाल के ठगने का स्टार्ट किया, उन्हें ऑफलाइन तरीके से बहुत सारे लोग ठगते हैं, फेसबुक पे ऐड लगा के ठगते हैं। आजकल एक अच्छा ट्रेंड है, वेबसाइट बना लो। अब वेबसाइट 15-20 हज़ार में एक अच्छी खासी अच्छी सारी वेबसाइट डिजाइन हो जाती है, उसमें बहुत सारी वैकेंसी डाल दी जाती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया जाता है, पूरा हो ऐसा लगता है कि ये विदेश की वेबसाइट है। आपको अप्लाई करते जॉब, जैसे आप अप्लाई करते हो आपको तुरंत क्विक रिस्पॉन्स आता है, आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है, फिर आपसे पैसा मांगा जाता है। ये कौन कर रहा है, ये वही लोग हैं जो पहले दूसरे तरीके से फर्जीवाड़ा करते थे, अब ये एक अच्छा अलग प्लेटफॉर्म बना लिया। इसमें फेस पे, अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा तो चेहरा दिख रहा है आपको, हाँ पता है कि भाई आप कहीं भी मिल जाओ आप मुझे पहचान लोगे। लेकिन अगर वेबसाइट से फर्जीवाड़ा करें, क्योंकि लोग वेबसाइट पे ट्रस्ट भी करते हैं कि ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, उसी के माध्यम से ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। सब कुछ लूटने का एक अच्छा तरीका है यार, किसी वेबसाइट पे अप्लाई करोगे तुरंत ऑफर लेटर दे रही है 5,000 का, वेल्डर का या फिर दूसरी कैटेगरी का, और आपसे पैसा मांग रही है, क्या है व्हिच दिस। ये वही लोग हैं जो आपको पहले दूसरे तरीके से लूटते थे, अब उनका ट्रेंड चेंज हो चुका है। वो ईमानदारी से अपनी वेबसाइट बना के, उसमें उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वो सामने दिखते नहीं है, ऑफलाइन तरीके से अकाउंट नंबर वगैरह सब होते हैं और वो लूटते हैं। तो भाई ऑनलाइन भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तुरंत आपको रिस्पांस मिल रहा है, कनाडा की कंपनी को पड़ा है कि आपने डाला वेल्डर का, आपको तुरंत ऑफर लेटर दे देगी और वो भी $200-$400 मांग लेगी, ऐसा संभव है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा संभव है। कुछ जेन्युइन भी है, ये नहीं कहता कि सब गलत है, सब जगह ईमानदार भी हैं, लेकिन ईमानदार बहुत कम है, 10%, फर्जीवाड़ा 90% है। चाहे आप कहीं किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप एजुकेशन में देख लो, प्रशासनिक सेवा में देख लो, चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लो, कहीं पर भी एक्सपायर्ड, ईमानदारी बहुत कम है। अगर पूरा ही अगर खत्म ही हो जाएगा, ईमानदार बचेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। लेकिन वो आपको अप्लाई करने से पहले या फिर वो पेमेंट देने से पहले सोचना पड़ेगा कि जहां आप पेमेंट दे रहे हो क्या वो जेन्युइन है, क्या वो फेक है, ये सब कुछ बातें हैं। क्योंकि एक अच्छा ट्रेंड है, वेबसाइट बनाओ, लोगों को लूटो, पैसा डालो जेब में डालो, और पता भी नहीं लगेगा लूटने वाला कौन था। वेबसाइट तो आपने सेट कर रखी है कनाडा के नाम से, समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ बातें हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।